आप देख रहे हैं TNB। भारतीय सेना में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, चलिए आप सभी को बताते हैं कि आखिरकार क्या बड़ी खबर है। सैन्य बलों में जल्दी एक नए तरीके से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भर्ती प्रक्रिया को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया जाएगा। इसके जरिए कम बजट में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बता दें कि इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी जो है चल रही थी, लेकिन खबर ये भी सामने आई है कि अब सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट बहाली होगी। जी हाँ, खबर के मुताबिक इस अभियान के तहत कम खर्च में एक निश्चित कम समय के करार पर सैन्य बलों में अधिकारियों और सैनिकों की बहाली की जानी है। इसके तहत नौकरी का समय करीब 3 साल हो सकता है। साथ ही बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती में काफी कमी हुई है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान में सेना, वायु सेना और नौसेना में 1,25,364 पद जो है खाली है। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होने वाली भर्ती से युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और पद भी भर जाएगा। तो वही रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रस्ताव को शीर्ष नेतृत्व से जल्दी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय में टूर ऑफ ड्यूटी पर ब्रीफिंग दी गई। इस योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लाया गया था। हाल के महीनों में सरकार के शीर्ष स्तरों पर इसके आकार और दायरे पर विचार विमर्श भी किया गया है। हालांकि इस योजना की अंतिम रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके आने से सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती की अवधारणा में बदलाव हो जाएगा। नई प्रक्रिया में 3 साल के अंत में अधिकांश सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। तो वही भर्ती किए गए युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ को जगह होने पर अपनी सेवा जारी रखने का भी अवसर मिल सकता है। तो ये खबर थी भारतीय सेना में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर थी कि उनके लिए कई सारी बहालियां जो हैं आने वाली हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।